अब आप सोच रहे होंगे मैंने अपनी कमर पे लाल कपड़ा क्यों बांधा है। रुकिए रुकिए, बताती हूँ। आपने, मैंने, हमने बहुत बार कहा और सुना भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे ने हमारे देश पे पॉजिटिव इम्पैक्ट तो छोड़ा, लेकिन आज भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करना जरूरी नहीं समझा जाता। हम उनको पढ़ने का माहौल तो दे रहे हैं, पर हम उनको ऐसा माहौल नहीं दे रहे जिसमें वो अपने पीरियड्स के बारे में बात कर सके। लड़के अपने नेचुरल प्रोसेस के बारे में बात ही नहीं कर। चलिए मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, बहुत ही पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है जो कि है नवरात्र, जिसमें हम 9 दिन बहुत ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और एक तरीके से ये नवरात्रि वुमेन एम्पावरमेंट को भी डेडिकेट किया जाता है। पर अगर उन्हीं 9 दिनों में हमें पीरियड्स हो जाए तो हमें पूजा करने से, फास्ट रखने से रोक दिया जाता है। सो ये कैसा वुमेन एम्पावरमेंट है? हम लोग घर के बाहर जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वुमेन्स राइट, वुमेन एम्पावरमेंट, पर वहीं घर आते ही हम पीरियड्स नहीं बोल सकते हैं, तो वो एक टॉपिक बन जाता है। ठीक है, आप वुमेन को सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, पर क्या आपको पता है आपके घर में जो माँ बहन बेटियां हैं वो पीरियड्स के टाइम किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं? जैसे कि इन्फेक्शन, रैशेस, इचिनेस और सबसे ज्यादा पेन। ओ हाँ, आपको कैसे पता होगा, ये तो औरतों वाली प्रॉब्लम्स है ना। अरे भाई, तो गर्ल्स के पीरियड्स भी तो नॉर्मल है, क्यों इसके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है? अगर हम मार्केट जाते हैं पैड लेने, तो क्यों उसको न्यूज़पेपर में लपेट के ब्लैक पॉलिथीन में दिया जाता है? इसी सोच को बदलने के लिए एवरटीन ने लिया है एक इनिशिएटिव। तो बांधिए अपनी कमर पे लाल कपड़ा, क्लिक करें एक फोटो, अपलोड करें अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टैग करें एवरटीन को और यूज करें #BloodyHypocrisy। सो लेट्स ब्रेक दिस चेन विद ओपन आर्म्स। और बाकी आपको पीरियड्स में कंफर्टेबल फील कराने के लिए एवरटीन का नीनल सैफला सैनिटरी पैड तो है, जो आपको रैशेस से प्रिवेंट करेगा विद इट्स एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। सो अभी नहीं तो कभी नहीं। Bloody Hypocrisy, an initiative towards eliminating period hypocrisy. क्योंकि अगर चोट का ब्लड नॉर्मल है तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के ब्लड पर चुप्पी क्यों? शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड्स और ऑन सोशल मीडिया, यूज #BloodyHypocrisy और टैग Evertine.